उसका नाम जगजीवन है। वो एक मछुआरा था। हर दिन सुबह समुद्र में जाकर जाल से मछली पकड़ता था। जो भी मछलियां वो लेकर आता था वो अपनी पत्नी सुमलता को देता था और वो गली गली घूमकर मछली ले लो माँ मछली पुकारते हुए बेचती थी। एक दिन सुमलता अपने पति जगजीवन से, ओ जी हर दिन ऐसे 10-15 मछली कम पड़ रहे हैं, जरा से ज्यादा लेकर आइए। हाँ तुम जो बोल रही हो वो सही है, लेकिन मेरे उम्र के अनुसार इससे ज्यादा मछली नहीं पकड़ सकता हूँ, और मछलियाँ अगर ज्यादा पकड़ भी लिया मेरे ताकत के हिसाब से मैं इससे ज्यादा मछलियाँ उठा नहीं पाऊंगा, समझो, कहकर चले गया। अगले दिन हर रोज की तरह सुमलता मछली ले लो मछली कहते हुए गली गली में जब घूम रही थी, तब एक चाय की दुकान के पास रेडियो पर मौसम की सूचना, बे ऑफ बंगाल में तूफान की वजह से समुद्र में तेज लहरों की संभावना है, मछुआरों को आदेश है कि कोई समुद्र में ना जाए, कहते हुए चेतावनी सुनाई दी। ये सुनते ही सुमलता तेजी से समुद्र की तरफ दौड़ पड़ी। वहां सारे लोग किनारे पर आ गए लेकिन जगजीवन लौट कर नहीं आया। सुमलता एक मछुआरे से, श्रीमान मेरे पति अभी तक लौट कर नहीं आए, कहीं देखा है क्या? बहन आज किसी भी हाल में ज्यादा मछली पकड़ना है सोचकर वो समंदर में काफी आगे तक गया, हम जब लौट रहे थे तो वो नहीं दिखा, कहकर चला गया। सुमलता बहुत परेशान हो गई। दूसरी तरफ नाव में जगजीवन, हे भगवान ये क्या परेशानी है, अगर मैं घर खाली हाथ गया तो पेट नहीं भरेगा, और यहाँ ज्यादा देर रहा तो खतरे से खाली नहीं है, भगवान अब आपके भरोसे। ऐसे सोच ही रहा था कि जाल में कुछ भारी सा फंसा। आहा कुछ बहुत भारी सा हाथ लगा है, सोचकर उसको उठाने की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकला और उसके भार से जगजीवन पानी में गिर गया। इतने में एक जलपरी उसे उठाकर नाव में रखी और, बेटा कौन हो तुम, इतनी बड़ी दुर्घटना में ये काम क्यों कर रहे हो? माँ मेरा नाम जगजीवन है, मैं हर दिन अगर मछली ना पकड़ूं तो मेरा घर नहीं चलता, अगर आज मैं घर खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी को भूखे पेट सोना पड़ेगा, इसीलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बेटा तुम्हारे परिवार की देखभाल के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ये लो मैं तुम्हारे नाव को जादुई नाव बना रही हूँ, जब भी तुम्हें मछलियों की जरूरत पड़े तो ये जगह पर आकर ये मंत्र दोहराना तो मछलियों की बरसात होगी, और वापस अगर वही मंत्र दोहराओगे तो मछलियों की बरसात बंद हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे अगर लालच करोगे तो बुरा होगा, कहकर चली गई। जगजीवन तब वो मंत्र को दोहराया, बस फिर मछलियों की बारिश हो गई, फिर ढेर सारी मछलियां उसका नाव भर दी। वो फिर से मंत्र दोहराया तब मछलियों की बारिश रुक गई। जब वो समुन्द्र के किनारे पहुंचा उसे देखकर सुमलता बहुत खुश हुई। मछलियों से भरा नाव देखकर वो हैरान रह गई। क्या जी आज इतनी सारी मछलियां लेकर आए? जगजीवन जो हुआ उसे बताया। अब से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस तरह कुछ ही समय में जगजीवन बहुत अमीर हो गया। सुमलता एक बार एक घर पर गई। वहाँ एक औरत, क्यों रे सुमा बहुत समय से देख रहे हैं, आप लोग बस कुछ ही समय में बहुत अमीर हो गए हो, जैसे कि हाथ में कोई मंत्र लगा हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सब उस जलपरी की महिमा है, कहते हुए उसे मंत्र के बारे में सब बताई। उस रात वो औरत अपने पति से, ओ जी ये क्या आपने सुना है, सुमलता को एक जलपरी ने एक मंत्र बताया, वो मंत्र को दोहराने से मछलियों की बारिश होगी, कहते हुए उसे वो मंत्र बोली। अगले दिन वो समुद्र में जाकर वो मंत्र को दोहराया तो तेजी से मछलियों की बारिश हुई। आहा ओहो आज मेरी किस्मत खुल गई, मैं भी अब बहुत अमीर होने वाला हूँ, आने दो कहते हुए यूं जोर से कहने लगा। नाव मछलियों से भर गया, उसके भार से नाव डूबने लगी। तब वो, अरे 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 अब ये मछलियों की बारिश को रोकू कैसे? इतने में वो नाव मछलियों के भार को सह नहीं पाया और डूब गया। एक गांव में अजीत पाल नाम का एक आदमी रहता था, उसको एक मटन की दुकान थी।
वहाँ हर ग्राहक को अच्छा क्वालिटी वाला ही मटन बेचता था। अगर कोई बूढ़े लोग आए तो उनसे कहता था, ओ बुढ़ी माँ, मटन खीमा अच्छा सा मारा हूँ और उसके साथ साथ हड्डी भी डाला हूँ, इसको खा के ना तुम तंदुरुस्त रहना, कहता था। वो सुनकर वो औरत कहती थी, तुम बहुत अच्छा आदमी हो, इसलिए हम सभी लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम सबका बहुत अच्छा ध्यान रखते हो, कहकर उसे आशीर्वाद देके चले जाती थी। अजीत पाल बहुत मेहनत करता था, अपने बेटे को शहर में पढ़ाता था। एक बार अजीत पाल का लड़का नीरज फोन करके, हे डैड, माय एजुकेशन इज फिनिश, ऑल पास, आई कम होम, यू पिक अप, कहने लगा। अजीत पाल ने ये सुनकर, अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा अंग्रेजी बात कर रहा है, मगर तू क्या कह रहा है बेटा? ओ डैड, यस्टरडे ऑल माय फ्रेंड्स पुटिंग बिजनेस, आई टू पुट बिजनेस, कहने लगा। ज्यादा बकबक मत कर, मुझे समझ आए जैसा बता। डैडी, मेरे दोस्त खुद के बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपना गांव आने के बाद मैं भी अपना बिजनेस शुरू करूंगा, कहने लगा। नया व्यापार करोगे? तुझे पता है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ आटा और मटन की दुकान के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है डैड, मैं घर आकर सब कुछ बताता हूँ, कहकर फोन लगा दिया। और घर पहुँचने के बाद नीरज ने अपने पापा से, डैड, मेरे दोस्तों ने मिनी ऑटोस, मिनी कैंटीन्स के छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर दिए हैं, वो बहुत अच्छा सक्सेस भी हो गए, मैं भी बिजनेस शुरू करूंगा। ठीक है, ऐसे बकवास बातें करना बंद कर और कोई नौकरी पे चढ़ जा। पापा, तुम क्यों मुझे डिस्करेज कर रहे हो? मेरे सारे दोस्त मिनी फूड ट्रक बिजनेस लगाकर कितना पैसा कमा रहा है पता है तुम्हें? देखो बेटा, शहर की जीवन शैली अलग होती है और गांव की जीवन शैली अलग होती है, समझने की कोशिश करो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। अपने पापा की बात कहना ना मान के आखिर में ऑटो में मटन डालकर बेचना शुरू कर दिया। और दूसरे दिन नीरज ने ऑटो लेकर निकला, आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, मटन शॉप ऑटो आपके घर के सामने आ गया है, डायल करो 112112 बल्क ऑर्डर्स के लिए। इतने में नीरज को एक कॉल आया, मटन शॉप को कॉल करने के लिए धन्यवाद, कहिए तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मटन चाहिए। सुपर सर, हमारे पास स्वच्छ, शुद्ध और ऑर्गेनिक मटन मिलेगा। ठीक है, बकवास बातें बंद कर, पहले मेरा ऑर्डर ले ले, मैं चंपक पेट में रहता हूँ। हाँ सर, लोकेशन लगा दीजिए, अगर दूर भी होगा ना कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच जाएंगे। अरे ये कैसा आदमी है, पूरी बात सुने बिना ही फोन लगा दिया, कहकर कस्टमर भी फोन लगा दिया। तब नीरज अपने दोस्त से कहने लगा, 250 किलो का मटन का ऑर्डर आ गया है, शायद उनके घर पे शादी होगा, जल्दी चल, कहकर दोनों निकल पड़े। कस्टमर के घर पर पहुंचते ही, सर हम लोग रेडी, आप लोगों को 250 किलो का मटन कब चाहिए बताएंगे तो हम लोग रेडी कर दे देंगे। अरे बेवकूफ, कोई 250 किलो का मटन ऑर्डर करेगा? ऊपर से यहाँ शादी का सीजन भी नहीं है और तो और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मैं सिर्फ 250 ग्राम का मटन पूछा। 25 किलोमीटर दूर से आए, तुम्हें सिर्फ 250 ग्राम का मटन चाहिए, सोचकर नीरज 250 ग्राम का मटन देकर चला गया। तब नीरज को एक फोन कॉल आया, कहिए सर, क्या तुम हमारे घर पर आकर मटन मार सकते हो? हाँ सर, हम फ्रेश मटन मार के देंगे, मगर ग्राम के हिसाब से नहीं मारते सर। ठीक है, पहले तो घर पे आ जाइए। नीरज एड्रेस ढूंढते हुए निकल पड़ा। रास्ते में कुत्ते नीरज के ऑटो के पीछे दौड़ने लगे। नीरज सोचा, यहाँ पर तो बहुत सारे कुत्ते हैं, सोचते हुए कस्टमर के घर पर पहुंच गया। क्या तुम मेरे लिए 10 टुकड़े मार के दोगे? क्या है सर, मैं इतना दूर मेहनत करके पहुंचा तो आप 10 टुकड़े मारने के लिए पूछ रहे हो? मैं आपको पहले ही बताया था, मैं ग्राम के हिसाब से नहीं मारूंगा। मैं आपको ग्राम के हिसाब से कब पूछा? मैंने तो सिर्फ टुकड़ों में मारने के लिए पूछ रहा था। परेशान होकर के 10 टुकड़े मारकर कस्टमर को दे दिया। कस्टमर उन 10 टुकड़ों को लेकर कुत्तों में डाल दिया। क्या, मैंने इस कुत्तों के लिए 10 किलोमीटर दूर से आया, सोचकर रह गया नीरज। जहाँ भी जाए हर कोई छोटे ही ऑर्डर दे रहे थे, मगर कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं दे रहा था। हाँ, मेरे पापा सही सोचते थे, मैं ही गलत था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सक्सेस होकर ही रहूंगा, सोचकर निकल पड़ा। उस गांव के पुलिस स्टेशन में एक SI था। कांस्टेबल्स, अपने गाँव में चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो गई है, यहाँ नाक, कान, आंख
किडनी लिवर के कारोबार दिन दहाड़े चल रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों को अलर्ट हो जाने के लिए कह रहा हूँ। वहाँ गांव के बीच में पुलिस वाले थे। इतने में वहाँ पर नीरज के पापा अजीत पाल पहुँच गया। तब नीरज अपने पापा को देखकर अपना बड़ापन दिखाने का ठान लिया। फोन पर, हेलो, ये यस यस यस, हाँ सर, हाँ हमारे पास सब कुछ फ्रेश काटते हैं, लिवर, किडनी, ब्रेन सब कुछ फ्रेश मिलेंगे। क्या तुम्हें बच्चों की चाहिए? कोई बात नहीं सर, मिल जाएंगे। ओके ओके, कहकर फोन रख दिया। लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट बातें सुनकर वहाँ के पुलिस वाले नीरज को पकड़ के पीटा। अजीत पाल वो देखकर दौड़ते हुए चले आया। सर सर, ये मेरा बेटा है, ऑटो में मटन रखकर बेचता है, ये वहीं बात कर रहा था, मेहरबानी करके छोड़ दीजिए, इसे कुछ भी पता नहीं। थोड़ी देर पहले लिवर किडनी की बात कर रहे थे ना? सर ये तो बकरे के है सर। तुम उतना जोर जोर से बात कर रहे तो मैं सोचा तुम ही हो आदमी, कहकर ऐसे चला गया। पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपकी कहना नहीं माना, आज के बाद तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, कहकर घर चला गया। वो बंदरपुर नाम का गांव था। उस गांव में ज्यादा बंदर होने के कारण उस गांव का नाम बंदरपुर रखा गया। उसी गांव में रणबीर आलिया नाम के पति पत्नी हुआ करते थे। रणबीर रोज जंगल जाके वहाँ पे सूखे पेड़ों को चयन करके उन्हें काट के शहर जाके बेचता था। एक दिन रणबीर सूखे पेड़ को मारते वक्त एक बंदर अचानक पेड़ से नीचे सरकते हुए आके पानी में गिर गया। बचाओ बचाओ कह के चिल्लाने लगा। रणबीर तुरंत पानी में कूद के उस बंदर को बचाया। दोस्त धन्यवाद, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकता। चलो मैं तुम्हें हमारे बंदर राजा के पास लेकर जाता हूँ, वो तुम्हें बहुत सम्मान करेंगे। अच्छा है अच्छा है, बंदर भी बातें करते, ये पहली बार मैंने देखा है और सुना भी है, तुम्हें राज्य भी है, ठीक है चलो देखते हैं, कहते हुए दोनों साथ मिलके गए। बंदर अपने पिता बंदर राजा के पास जाकर, पिताजी इनका नाम रणबीर है, आज नदी में बहके जब मैं जा रहा था तब इन्होंने ही मुझे बचाया। रणबीर तुम्हारे वजह से हमारा राज्य का राजकुमार हमें जिंदा मिला है, उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। राजा साहब आखिर मैं कहाँ हूँ, आखिर ये जगह कहाँ पे है, आज तक कभी मैंने ऐसी जगह देखा नहीं है। ये ज्वालादीप है, साधारण तौर पे मानव यहाँ पे नहीं आ सकते, तुमने जो उपकार किया है वो कभी नहीं भूल सकता। ये ले माया पपैया के दाने, ये ले जाके तुम अपने खेत में बोना, सोने के पपे हो जाएंगे, लेकिन याद रख इन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया तो कहकर हंसने लगा। क्या सोने के पपे के फसल उगेंगे, बहुत धन्यवाद जी, कहके चला गया। अगले दिन रणबीर खेत में जाके वहाँ पे पपैया का एक दाना बो के पानी डाला तो तुरंत एक पपैया पेड़ जागृत हो गया। उसमें सोने का एक पपैया था। रणबीर तुरंत उसे निकाल के घर पे लेके गया। घर पे आके रणबीर आलिया से घटी सारी बातें बताया। वाह क्या किस्मत है, सोने का पपैया, इसे बेचने से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, जाइए जाकर इसे बेचकर पैसे लेकर आइए। तब रणबीर उस पपैया को बेचकर पैसा बहुत कमाया। कुछ दिनों में ही रणबीर बहुत धनवान हो गया, नौकर चाकर के साथ एक बड़ा घर बनवाया, कीमती कार भी उसने खरीदा। एक बार आलिया कार में अपनी नौकरानियों के साथ जाते समय पुलिस वाले तुरंत आके, रुको माँ रुको रुको, महारानी प्रतीक्षा कर रही है, वो साइड जाके टर्न ले लो। उतने में आलिया महारानी को देखकर, आहा क्या सुंदर औरत है, हाँ माँ देखिए पूरे बदन में कितना सोना है, उतना पैसा और गहने होने के कारण ही उन्हें उतना रिस्पेक्ट है। आलिया मन ही मन, मुझे भी पैसे बहुत कमाने होंगे, इनके जैसे ही कीमती जेवरात पहने होंगे, सोची। घर में आलिया रणबीर से, ओ जी क्यों जी, रोज एक ही सोने का पपैया क्यों लेकर आ रहे हैं, एक ही साथ वो दाना सभी बोएंगे ना तो अच्छे से पैसे से कमा सकते हैं ना। लालच का भी हद होना चाहिए, बंदर राजा बोले थे ना दिन में एक ही दाना बोना। बंदर राजा एक ही साथ सभी दाना मत बोना ऐसा भी तो नहीं कहा था ना। वैसे दोनों में बहस ज्यादा हुई,
अगले दिन आलिया। इनके साथ बहस करना ही बेकार है। सोच के बिना रणबीर को पता चले वो पपे के दानों को पूरे खेत में बो दिया। बात खत्म। तब एक साथ हजारों पेड़ जाग उठे। वो देखकर आलिया, याहू, आज से मैं महारानी बन गई, चिल्लाई। उतने में बंदर कहते हुए आलिया को घेर लिए। ए बंदर, छी छी, जा जा यहाँ से, छी छी कहके हेल्प 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 कहते हुए चिल्लाने लगे। उसी रास्ते से आता रणबीर उसकी पत्नी विपत्ति में है जानकर भागते हुए वहाँ पे आया। रणबीर तब बंदर राजा से, बंदर राजा, ये मेरी पत्नी है, अनजाने में गलती कर दी। अनजाने में नहीं, लालच में आकर पपया के दाने एक ही बार जमीन में बो दी, इसलिए अब तक इस माया पपया से जितने भी तुमने पैसे कमाए वो सब चले जाए, कहकर उसने श्राप दिया। अयो, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने खुद ही के पैरों में कुल्हाड़ी मार दी, कहके रोने लगी।